दोस्तों आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है म्यूजिक थेरेपी के बारे में कि कैसे म्यूजिक थेरेपी से रोगों का इलाज किया जाता है। हमारे आज के जीवन में इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इतना खो गए हैं कि हमें अपने खुद के लिए समय ही नहीं है। ऐसे में हम कई बीमारियों जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर या फिर दिमागी बीमारियाँ जैसे तनाव या नींदरे की चपेट में आ जाते हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए कई चिकित्सा पद्धतियां हैं, जिनमें से एक चिकित्सा पद्धति है जिसे संगीत उपचार और अंग्रेजी में इसे म्यूजिक थेरेपी कहा जाता है। बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में संगीत पर बहुत प्रयोग किए गए हैं और इन प्रयोगों में पाया गया है कि संगीत आदमियों पर ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों और पशु पक्षियों पर भी अपना प्रभाव छोड़ता है। कई बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में संगीत पर प्रयोग किए गए हैं, जैसे लैब में दो एक जैसे पौधे लगाए गए, दोनों को एक सा खाद और पानी डाला गया, एक सी रोशनी दी गई। उनमें से एक पौधे के पास रोज संगीत बजाया गया और दूसरे पौधे के पास संगीत नहीं बजाया गया। जिस पौधे के पास रोज संगीत बजाया गया था वह दूसरे के मुकाबले जल्दी बड़ा हो गया और उसमें फूल भी जल्दी निकल आए। डेयरी फार्म में जिन गायों के पास संगीत बजाया गया उन्होंने दूसरी गायों के मुकाबले ज्यादा दूध दिया। श्री बालाजी हेल्थ फाउंडेशन बम्बई के डॉक्टर बालाजी थाबे के कथन अनुसार राग भैरवी के प्रभाव से नींद न आने वाले रोगी को नींद आ जाती है और राग टोडी के प्रभाव से बेचैनी और ब्लड प्रेशर के रोगी को आराम मिलता है। भारतीय संगीत राग हमारे शरीर और हमारी आत्मा दोनों पर असर डालते हैं। पुराने ऋषि मुनि संगीत को भगवान से मिलने का जरिया मानते थे। आज भी हम संगीत को धार्मिकता के साथ जोड़कर देखते हैं। भगवान के हर एक अवतार के साथ संगीत जुड़ा हुआ है, चाहे वह श्री कृष्ण की बंसरी हो या फिर शिव जी का डमरू हो या नारद या सरस्वती की वीणा हो, चाहे वह गुरु नानक के साथ भाई मर्दाना की रबाब हो। संगीत चिकित्सा 1944 से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित थी, जब दुनिया में पहली बार मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पहली स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम और कैंसस विश्वविद्यालय में पहला स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हुआ था। अमेरिकन म्यूजिक थेरेपी एसोसिएशन एमटा 1998 में नेशनल एसोसिएशन फॉर म्यूजिक थेरेपी NAMT 1950 में स्थापित और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ म्यूजिक मेडिसिन AAMT 1971 में स्थापित के बीच एक विलय के रूप में स्थापित किया गया था। कई अन्य राष्ट्रीय संगठन मौजूद हैं, जैसे संगीत संस्थान और न्यूरोलॉजिक फंक्शन के लिए नूडोल्फ रॉबिन्स सेंटर फॉर म्यूजिक और द बॉनी फाउंडेशन। संगीत चिकित्सक भाषण, भाषा, शारीरिक चिकित्सा, चिकित्सा सेवा, शिक्षा आदि जैसे विभिन्न विषयों से उपायों या सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इसका लाभ भी मिलेगा। तो वीडियो के विषय के बारे में कमेंट जरूर करें। हम आगे भी नई नई वीडियो अपलोड करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।